हेलो डिशन, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर चल रहा है आप लोगों का, और कोई भी अगर स्टूडेंट पहली बार ये क्लास देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी वर्ड का किसी दूसरे वर्ड के साथ कोई भी ठीक है रिलेशन नहीं है, प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो चलो एक बार देख हम शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, आज मैं पढ़ाऊंगा कि रिसिप्ट किसे बोलते हैं, आज मैं पढ़ाऊंगा स्टॉक क्या होता है। तो सबसे पहला वर्ड मैं पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है ये देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सर एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो देखिए एक्सपेंडिचर समझा देता हूं, ये होगा आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तीन तरीके का होता है, कितने तरीके का होता है, तीन तरीके का एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, वन बाय वन करके मैं समझाने वाला हूं यहां पे। ठीक है, आप इसको लिखते रहना। पहला, ठीक है, पहला होता है, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहला मैं समझाने जा रहा हूं यहां पे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, अगर आप उससे पूछोगे सर एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बेटा, ठीक है ना, कि आपने कोई भी गुड्स, ठीक है, कोई भी सर्विसेज या कोई फिक्स्ड एसेट्स वगैरह के लिए आपने जो खर्चा किया उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब उसमें सबसे पहला आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर समझे सबसे पहले कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है, ठीक है, कि मान लेते हैं मैं कपड़े का व्यापारी हूं, कपड़ा खरीदता हूं, कपड़ा बेचता हूं, तो जो मेरे डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, ताकि बिजनेस अच्छे चलता रहे, जो रेगुलर जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, मेरे डे टू डे खर्चे होते हैं, वो यहां पर आ जाएंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर याद रखना बेटा, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं इनको, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ठीक है। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अगर एग्जाम्पल आप मुझसे पूछो तो मैं इसके एग्जाम्पल भी दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि सैलरी है ना, जैसे कि वेजेस, ओके, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के चार्जेस हो गए, है ना। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हम करते हैं तो उसकी वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती नहीं है, मेंटेन होती है, मेंटेनेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, मेंटेनेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, है ना, मेंटेनेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है ना, मान लेते हैं जैसे एक गाड़ी है, ठीक है ना, हमने उस गाड़ी की रिपेयर कराई, ठीक है ना, या उस गाड़ी में जो है थोड़ी सी सर्विसिंग कराई है, तो उससे उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, तो वो तो उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, ये सारे काम तो हम किस लिए करते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसकी दूसरी टाइप, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, नहीं तो वापस जाके एक बार लिख लो इसको। पॉइंट नंबर टू, यानी दूसरी टाइप जो इसकी है बेटा, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये डे टू डे के लिए खर्चा नहीं होता है, नहीं, ठीक है ना, ये डे टू डे के लिए नहीं, ये ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करते हैं, यानी कि अगर आप कोई परचेज करते हैं, ठीक है ना, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, याद रखना, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए जो आपने खर्चा किया, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, बिल्डिंग खरीदी हमने, परचेज ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसा लगेगा ना, तो वो क्या आएगा, उसे क्या बोलेंगे हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से, ठीक है ना, हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे इंक्रीज होती है, वहां पे मेंटेन होती थी, यहाँ पे इंक्रीज होती है, ठीक है ना, यहाँ पे इंक्रीज होती है एफिशिएंसी, याद रखना, ठीक है ना, यहाँ पे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इसके अलावा आगे बढ़े हम लोग, ठीक है, तो मैं ये भी बता दूं, इसको उसको हम रिकॉर्ड करते थे कहां, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बेटा बैलेंस शीट में, इसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में, क्लियर है। ये था आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए जो आपने खर्चा किया उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, ठीक है ना, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए जो आपने खर्चा किया उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस के लिए डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए जो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरी टाइप इसकी, तीसरी टाइप पढ़ेंगे हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, डेफर्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो इसके नाम में ही लिख रखा है, ठीक है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका बेनिफिट आपको 3 से 7 साल तक मिलेगा, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको लंबे समय के लिए मिलता है, ठीक है ना, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको 3 से 7 सालों के लिए। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसका, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एक पाउडर का नाम सुना होगा, वॉशिंग पाउडर निर्माण, ये काफी पुराना है, पुराने टाइम से चला रहा है, ठीक है ना, वॉशिंग पाउडर निर्माण, ठीक है ना। मान लेते हैं उन्होंने एडवर्टीजमेंट कराई, ठीक है ना, निर्माण वालों ने एक एडवर्टीजमेंट कराई, बेटा सबसे बड़ा एग्जांपल होता है इसका एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट ही इसका एग्जांपल हमेशा आपको देखने को मिलेगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बोल देंगे इसको, याद रखना, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस उन्होंने खर्चा किया, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 300 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए, और उन्होंने कहा कि 10 साल तक हमारे जो है एडवर्टाइज वगैरह होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट वगैरह दिखाया जाना चाहिए। अब यानी कि 300 करोड़ रुपए खर्चा हुआ उनका, लेकिन 300 करोड़ एक साल के लिए थोड़ी किया, 10 साल के लिए किया, तो एक साल के लिए कितना खर्चा किया, 30 करोड़। तो इसको जब हम दिखाएंगे तो हम इसको क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में बेटा सारे खर्चे आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो 30 करोड़ रुपीज का जो खर्चा है, ठीक है ना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस 30 करोड़ रुपए यहाँ दिखा देंगे हम लोग, ठीक है, और बाकी का जो खर्चा रहेगा ना वो बैलेंस शीट में, ठीक है ना। टोटल कितना पेमेंट किया हमने, 300 करोड़, ठीक है ना, 300 करोड़। एक तरीके से ये मान लो प्रीपेड कर दिया आपने, तो एसेट्स हो गया ना, ठीक है ना। तो यानी कि 30 करोड़ तो आप दिखा दोगे इस साल, ठीक है ना, इस साल का खर्चा, और बाकी का क्या, तो यहाँ पे पहले डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 300 करोड़, ठीक है ना, और उसमें से माइनस कर देना इस साल का जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, ठीक है, 30 करोड़ का। अब कितना बच गया, 370 करोड़। अगले साल फिर इसमें से 30 माइनस होता रहेगा, यहाँ पे 30 दिखाते रहेंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है, यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा एक्सपेंडिचर का पॉइंट। अब एक्सपेंडिचर के बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है रिसिप्ट क्या होता है। एक्सपेंडिचर का उल्टा होता है रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर का एकदम उल्टा होता है रिसिप्ट। तो चलिए देखते हैं एक बार, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम लोग रिसिप्ट क्या होता है सर। तो यहाँ पे एक मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 14, ठीक है ना, पॉइंट नंबर 14 का नाम है बेटा रिसिप्ट, ठीक है ना। रिसिप्ट का मतलब है, ठीक है, कि पैसे आए होंगे, है ना, बिजनेस में पैसे आए होंगे। रिसिप्ट दो तरीके की होती है, ठीक है ना, एक रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, और एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट। अब समझने की कोशिश करना कि रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, जो डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस, देखो मैं, मेरा कौन सा बिजनेस है, कपड़े का व्यापारी हूं, मैं कपड़ा खरीदता हूँ, कपड़ा बेचता हूँ, तो कपड़ा खरीदने और कपड़ा बेचने से जो मुझे पैसा मिला है उसको बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, यानी कि सेल ऑफ गुड्स। मैंने जो गुड्स बेचा है बेटा, या मैं कोई सर्विसेज देता हूं, ठीक है ना, तो सर्विसेज रेंडर किए मैंने, रेंडर सर्विसेज, या वो सर्विसेज जो मेरा सर्विसेज देना मेरा काम है, तो सर्विसेज मैंने रेंडर किए उससे पैसा मिला, वो रिवेन्यू रिसिप्ट है। या मैं कपड़े का व्यापारी हूं, कपड़ा खरीदता हूं और कपड़ा बेचता हूं, तो कपड़ा बेचने और खरीदने से जो मुझे पैसा मिला है, ठीक है ना, या कपड़ा बेचने से जो मुझे पैसा मिला उसको बोलेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं कपड़ा खरीद रहा हूँ, कपड़ा बेचता हूँ, ये मेरा बिजनेस है, ये यहाँ से पैसा नहीं मिला, इसके अलावा कहीं और से मिला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सेल ऑफ, ठीक है ना, फिक्स्ड एसेट्स, मैंने अपनी फिक्स्ड एसेट्स बेच दी, ठीक है ना, फिक्स्ड एसेट्स मतलब जैसे कि मान लेते हैं मैंने अपना फर्नीचर बेच दिया, मेरा फर्नीचर पुराना रखा था, ठीक है ना, और मैंने अपना फर्नीचर बेच दिया, ठीक है ना, उस फर्नीचर से मेरे पास पैसे है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा, ठीक है ना, वो क्या माना जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। तो ये है आपकी रिसिप्ट, ठीक है, ओके। इसमें एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है,
रिसिप्ट वगैरह इतनी नॉर्मल चीज है, रिसिप्ट में इतना कुछ है नहीं, ठीक है। ओके सर, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्टॉक। स्टॉक के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, स्टॉक 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 है ना। तो स्टॉक क्या होता है वो देख लेते हैं बेटा। स्टॉक का मतलब क्या होता है, मान लेते एक दुकानदार है, ठीक है ना, ये उसकी दुकान है, उससे 10 लाख रुपए का सामान खरीदा है बेचने के लिए, है ना, 10 लाख रुपए का सामान खरीदा है। अब 10 लाख में से, ठीक है ना, साल कब शुरू होता है, 1 अप्रैल को, मान लेते ईयर है 2019, और खत्म कब होएगा बेटा, 31 मार्च 2020 को, ये अपना साल है, ठीक है। तो पूरे साल उसने ये सामान बेचा, बेचता रहा, यहाँ 31 मार्च 2020 साल के अंत में, ठीक है ना, 9 लाख रुपए का सामान बेच दिया, 1 लाख रुपए का अभी भी पड़ा हुआ है दुकान में। तो ये जो सामान है अनसोल्ड, इसको क्या बोलेंगे, अनसोल्ड गुड्स बेटा, ये वो सामान है जो बेचा नहीं गया है, बिकने से रह गया है, अनसोल्ड गुड्स, इसी को हम स्टॉक बोलते हैं और इसी को हम क्लोजिंग स्टॉक भी बोल लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डेट क्या है 31 मार्च है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक बोल लेते हैं, और हर साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल जाके बेटा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो ये अगले साल जाके इसको हम ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे, अगले साल जाके क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे, है ना। यानी कि अब वो और सामान खरीदेगा, मान लेते हैं अब उसने 11 लाख का सामान खरीदा, तो 1 लाख का तो ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी है, 11 लाख का भी खरीदा, तो टोटल कितना होगा उसके पास, 12 लाख का, ऐसे करके, है ना। तो हर साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्रॉपर आपको क्लासेस मिल जाएंगे बेटा, ठीक है ना, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, बेल आइकन को दबा लो, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना, और यहाँ पे अकाउंट आपका पूरा 100% सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है, डिटेल में। चलिए आज की क्लास भी अपनी खत्म हो गई है, आज हमने सीखा एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड स्टॉक क्या होता है, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, बाय।